परंतर सलावा
قلب مشیت کی جراحت ہے, اس غم سے وابستہ ہے. بڑا مشرک ہو, ملحد ہو, کافر ہو,
जब डूबता है तो खुदा ही याद आता है। साइंस और फलसफा, इल्हाद और शेर को कुफर सब काबूल हो जाता है। जब डूबता है तो बस खुदा याद आता है, और ऐसा वैसा नहीं याद होता। इंतहाई इखलास के साथ खुदा को पुकारता है। कुरान मजीद कहता है मुखलिसीन लहुद्दीन, इंतहाई इखलास के साथ खुदा को पुकारता है। लेकिन ये इखलास की कैफियत बाकी नहीं रहती, मुस्तमिर नहीं रहती। जब खतरात से दो चार होता है तो खुदा को पुकारता है, जैसे ही खतरात बरतरफ हो जाते हैं फिर मुमकिन हो जाता है। ये कलिमा मुबारक, ये कलिमा तैयबा, ये इसलिए है ताकि हमारी फितरतों, तबीयतों और हमारी सरिश्त की तहारत महफूज रहे। इसका मकसद सिर्फ यह है कि बातिल खुदाओं का इनकार सीख ले इंसान, बरहक खुदा का इकरार तो फितरत में है, बातिल खुदा का इनकार सीख ले। और ये उस वक्त तक तरबियत नहीं पा सकेगा, बातिल खुदा का इनकार कैसे किया जाता है ये हुसैन बताएगा। अब जिनकी तबीयतें बातिल खुदाओं से वफादारी रखती हैं उन्हें जिक्र हुसैन पसंद नहीं। जैसा हसीन नाम दुनिया में, हुसैन जैसा हसीन शख्स कोई दुनिया में नहीं, हुसैन जैसा हसीन किरदार कोई कायनात में नहीं। अगर है तो वही है कि जिसने कहा हुसैन मिन्नी वाना। इस कायनात में खुलासा कायनात जमाल कायनात, खुलासा कायनात, सैयद कायनात हजरत खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की ज़ाते ग्रामी वो ज़ाते ग्रामी है कि जिसके लिए ये हमने गढ़ नहीं लिया है। बाद अस खुदा बुजुर्ग को ये किस्सा मुख्तसर, मुझे अफसोस है एक साहब ने मुझे खत लिखा और उसमें ये जुमला लिखा कि आप लोगों ने गढ़ लिया है। कि बाद अस खुदा बुजुर्ग को ये किस्सा मुख्तसर, हर मजहब के लोग अपने पेशवा को सबसे अच्छा कहते हैं और मुबालगे से काम लेते हैं। अब ये जो साहब खत मुझे लिख रहे थे इस खतरे के बाद तो मेरे लिए वो काबिल जवाब नहीं थे। मैं कल शब की तकरीर में व्यर्थ कर चुका हूँ कि दो तरह के लोगों का जवाब मैं नहीं देता हूँ। एक वो जो सवाल करते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, अपना नाम छुपा के बदल के सवाल करते हैं, क्या फायदा इससे, क्या फायदा, जवाब हम किसे दें, किसको जवाब। और दूसरे उसको जवाब नहीं देने का जी चाहता कि जिसका सवाल सवाल नहीं होता वो तंज और तशनी के साथ होता है। सवाल कीजिए, इतराज कीजिए, बहस कीजिए, मुनाजरा कीजिए, सामने आइए, आइए यहाँ आइए, हमारे सामने बैठिए। नजर है न खौफ,
मैं आपकी तस्दील करूंगा, ना तौहीन करूंगा, ना तहकीर करूंगा। अदब के दायरे में आप भी रहें, अदब के दायरे में हम भी रहेंगे। हमें तो हम जिस तहजीब से वाबस्ता हैं उस तहजीब ने सिखाया है कि सवाल कैसे किया जाता है, जवाब कैसे दिया जाता है। सवाल करना तो इनकरेज किया गया है। हमें इमाम वो मिला जिसने कहा सलूनी सलूनी, मतलब है जो कहता है किताब काफी है, किताब आज तक न काफी हुई है न हो सकती है। अगर किताब काफी होती तो अल्लाह सुभानहु व तआला बराहे रास्त आसमान से फरिश्तों से कहता कि ये किताब ले जाके सहने हरम में रख दो, मस्जिद में रख दो, खाने काबा की छत पे रख दो। वो किताब यू लाते और रख के चले जाते, अभी ऐलान हो जाता फरिश्ता आसमान जमीन के दरमियान खड़ा होके ऐलान कर देता कि अल्लाह ने किताब नाजिल कर दी है, लोगों आओ पढ़ो और अपनी जिंदगियों को संवारो। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, न हुआ न होगा, और अब तो होने का इम्कान ही नहीं है, नबुव्वत खत्म हो चुकी। पहले उस इंसान कामिल को उतारा जो तालीम किताब दे सके, उसके बाद उसके कल्ब मुबारक पर किताब उतारी। किताब कभी काफी नहीं होती कि लाइब्रेरी में जाके बैठ गए और किताबें वरक गर्दानी करना शुरू हुई। ऐसे वरक गर्दानी करने से सिर्फ वरक पे जमी हुई गर्द नसीब में आती है। जो सवाद हर्फ में नहीं होता बयाज जा में होता है, उसके लिए नूरानी वजूदात की जरूरत होती है। मैं तो सिर्फ ये कर रहा था कि खुलासा कायनात हजरत खत्मी मर्तबत मुहम्मद ذات گرامی ہے کہ جس کے جلال و جمال تمام ہے، حضور سے زیادہ حسین ظاہراً و باطناً، حضور سے زیادہ کامل ظاہراً و باطناً کوئی نہ ہوا ہے نہ ہو، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مل جائے तो उसकी निस्बत उन्हीं से होगी। इसीलिए हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। तमाम जमाल व जलाल मुस्तफा देखना हो तो हुसैन में देखो, और जमाल व जलाल हुसैन का सरचश्मा देखना हो तो मुस्तफा में। ये बताएंगे बातिल खुदाओं का इनकार कैसे किया जाए और बरहक खुदा
कलेमा कैसे पढ़ा जाता है, वरना खुदा की बंदगी कैसे की जाती है, वरना खुदा की इबादत कैसे की जाती है, वरना खुदा के साथ कैसे जिंदगी बसर की जाती है। क्या कहा मैंने? खुदा के साथ जिंदगी बसर की जाती है, खुदा के साथ जिंदगी बसर की जाती है। मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है कि इससे पहले इस मेंबर पे यहाँ 14-15 साल से गुजारिश कर रहा हूँ आपके सामने मैंने ये जुमला कहा या नहीं, लेकिन आज कह रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। आम तौर पर तौहीद की तारीफ जो की जाती है वो कलामी तारीफ है, इल्मे कलाम में, और वो भी इल्मे कलाम की इब्तदाई किताबों में जो लिख दिया गया कि अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, यह कलामी तौहीद। इसके आगे है इरफानी तौहीद। कलामी, याद रखिएगा ये दो मुख्तसर से फकरे, कलामी तौहीद ये है, कलामी तौहीद ये है कि खुदा को एक मानो। इरफानी तौहीद ये है कि तुम खुदा के साथ एक हो जाओ। एक हो जाओ, इससे तुम्हारा फायदा होगा। खुदा लाजवाल है, तुम भी जावेदा हो जाओगे। खुदा हई है, तुम भी हई हो जाओगे। खुदा कयूम है, तुम्हारे अंदर भी कयूमियत पैदा हो जाएगी। तुम खुदा के साथ एक होगे तो देखो खुदा के साथ जिंदगी बसर करोगे। खुदा के शरीक ना बनो, ये हराम है। खुदा को अपना शरीक बनाओ, ये सआदत है। खुदा के शरीक बनने की कोशिश ना करो। हराम जान शेर क्या है शेर? आप खुदा की ज़ात गिरामी में या उसके सिफात में या उसके अफ़ाल में किसी भी एतबार या उसकी बंदगी में खुद शरीक हो या किसी और को शरीक करें, या अपने नफ्स को शरीक कर लें, अपनी माँ को, अपनी आना को, अपनी खुदी को खुदा बना लें। अगर कि बहुत सोने तजर्बा किया है और तजर्बा करते रहेंगे, खुदा बने थे अगाना मगर बना न गया। खुदा बने थे अगाना मगर बना न गया, खुदी का नक्शा चढ़ा आप में रहा न गया। खुदी का नक्शा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदा बने थे अगाना मगर बना न गया। खुदा बनने की कोशिश ना कीजिए, खुदा में शरीक ना होगी ना खुद ना किसी और को। हाँ, खुदा के साथ एक हो जाए, खुदा को अपनी जिंदगी में शरीक कीजिए और सिर्फ शरीक होंगे, ऐसा शरीक कीजिए कि खुदा ही नजर आए, आप नजर ना आए। इसी मकाम का नाम है फना फिल्ला बका बिल्ला। फना बिल्ला ये कि आप अपनी जात को, अपने सिफात को, अपने अफ़ाल को फना करने जाते हक में, और ऐसा फना करें कि बस वही नजर आए, आप नजर ना आए। एक जुमला कहने का जी चाह रहा है, ये मेरा अकीदा हरगिज नहीं है,
अली को खुदा मानना बातिल है, अली खुदा नहीं है, अली अल्लाह नहीं है, अली रब नहीं है, मगर उनका क्या कसूर, बेचारे हैं जो अली को रब कहने लगे, इसलिए कि अली ने खुद को फना फिल्ला बना दिया। محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم علی بتائیں کہ جو نقش رسول ہے ہم تھوڑی کہتے ہیں نقش رسول ہے ہم کہیں کہ ہماری زبان کاٹ لو زبان کاٹ لو ہم ہمیشہ تیار ہیں زبانیں کٹتی رہی ہم کہتے ہیں دار پہ چڑھا لو بتاؤ تو صحیح کس درخت پہ ہمیں دار پہ چڑھاؤ گے ہم خوشی سے اس درخت کو سیچیں گے ہم خوشی سے اس درخت کو سیچیں گے جس درخت کو تم رکھو گے مخصوص ہمارے ہماری صلیب تیار کرنے کے لیے ہمارے لیے دار بنانے کے لیے دار تیار کرنے کے لیے ہم کہتے رہیں گے علی نفس رسول ہے ہم نے تھوڑی کہا قرآن مجید نے نفس رسول کہا قرآن مجید نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نفس رسول کہا یا حضور بتائیں گے یا امیر المؤمنین علیہ السلام بتائیں گے یا سید زہرہ بتائیں گے طاغوت کو رسوا کیسے کرتے ہیں باطل اقتدار کو ٹھکراتے کس طرح ہیں باطل خداؤں کا انکار کیسے کرتے ہیں یہ زہرا بتائیں گی حسن بتائیں گے حسین بتائیں گے اسی لیے موضوع چھڑا تھا پچھلے سال اور جاری ہے اس سال توحید اور حسین اور اس مرتبہ پوری گفتگو ذرا آگے کر رہی ہے تو اب موضوع ہے حیات اور حسین کیوں لا الہ الا اللہ کے معنی تو میں نے عرض کر دیے یہ معنی نہیں ہے کہ سب کا انکار کرو اور ایک کو مانو نہیں وہ ایک جو ہے اس کے علاوہ سب کا انکار کرو وہ کون ہے وہ ذات گرامی کون ہے وہ حقیقت الحقائق کون ہے وہ اللہ کون ہے وہ الحی القیوم توجہ رکھیے میں بالکل طالب علمانہ انداز سے ہی آگے بڑھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں آپ ساتھ ساتھ آگے بڑھیں حی کی تفسیر کیسے کریں اور الحی دیکھیے یہ جو ایک مکتبی نقطہ ہے کہ جب خبر بھی معرفہ ہو تو اس میں حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں خبر میں ہم الحی الف لام کے ساتھ ہوگا تو خبر معرفہ ہے معرفہ کے معنی ہے کہ اس میں حصر کے معنی ہے حصر کے معنی ہے کہ بس وہی زندہ ہے وہی ایک ذات حق بس وہی زندہ ہے اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے آپ اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں کائنات میں کوئی چیز ہے زندہ سب میت ہیں بس وہ حی ہے ہو الحی
अब ये है कलाम से इरफान तक का फासला। इल्मे कलाम से इल्मे इरफान तक का फासला ये है, जो कलाम की सरहद तक पहुंचा वो उसे भी जिंदा मानता है, खुद को भी जिंदा। बस वही है, उसको भी है मानना, खुद को भी है मानना, इससे बड़ा शिर्क क्या होगा। ये शिर्क है, वो भी है हम भी है, ये शिर्क है। बस वही है, ये है तौहीद। बस वही जिंदा है, अल है। अच्छा, मैं इस बहस को आपके सामने जदीद साइंस की रोशनी में भी गुजारिश करूंगा और कदीम फलसफे की रोशनी में भी, और उस फलसफे की रोशनी में कि जो फलसफा कदीम तो हुआ है लेकिन मुर्दा नहीं है। वो फलसफा कदीम है लेकिन बातिल नहीं है। फलसफे का बहुत बड़ा हिस्सा जो कदीम फलसफा था वो अब बातिल हो चुका है, लेकिन फलसफे की के बाज मबाहिस अभी भी जिंदा हैं। आप साइंसदानों से पूछें कि जिंदगी की तारीख क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप हजरात बहुत ज्यादा ची बजबी रहते हैं, ये उलमा में इख्तिलाफ बहुत होता है। साइंसदानों से आगे पूछे लाइफ की डेफिनेशन क्या है, लाइफ की डेफिनेशन क्या है पूछिए। इख्तिलाफ तो नहीं है ना, कहीं खुदा ना पास्ता क्या इख्तिलाफ है साइंसदानों के दरमियान। जिंदगी की तारीफ पर मुत्तफिक नहीं है ना लफ्वन ना मानन। अब धीरे धीरे मैं इशारे करूंगा और कोट करता रहूंगा कि कहां कहां किसने क्या कहा। जिंदगी की तारीफ, डिफिनेशन ऑफ लाइफ, हयात क्या है, एक तारीफ आम तारीफ यह है कि जिंदा और मुर्दा में फर्क यह है कि जिंदा में तग़ज़िये की सिफत होती है, जिंदा वजूदा गिज़ा लेते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, एवोल्यूशन होता है, इर्तिका नश्व नुमा। और तीसरी सिफत क्या है, तीसरी सिफत यह है कि उनमें रिप्रोडक्शन का अमल होता है, अमल तौलीद, तौलीद बिल मिसल, अपने जैसा वजूद खल्क करने की, तख्लीक करने की फिक्र होती है और सलाहियत होती है। बाद साइंसदानों ने ये तारीफ की है, बायोलॉजी के जो माहरीन हैं उनमें से बेशतर ने, सब ने नहीं, बेशतर ने, और बेशतर ने जो तारीफ की है वो सबके सब मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि और कोई मुतबादल अच्छी बड़ी जामे और माने तारीफ पेश नहीं कर सके, तो कुछ तो करना है, इसलिए इसी तारीफ को नकल करके आगे बढ़ जाते हैं। तवज्जो है, कभी कभी किसी बात को आगे बढ़ाने के लिए तालीमी जरूरत से बहस को आगे बढ़ाना है, तलाश जस्तजू आगे बढ़ानी है, बात आगे बढ़नी है, इसलिए किसी चीज को तस्लीम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा कुछ नहीं है तो ये बात माने लेते हैं। तो कहते हैं कि जिंदा उसे कहते हैं कि जिसमें तब्जिए की सिफत हो, जिसमें ग्रोथ की सिफत हो,
फीडिंग ग्रोथ रिप्रोडक्शन, यही है तारीफ आमतौर पर जो स्कूलों में बच्चों को भी सिखाई जाती है। अगर इसको हयात की तारीफ के तौर पर कबूल कर लिया जाए तो खुदा की ज़ाते गिरामी में न तग़ज़िया है, न ग्रोथ है, न रिप्रोडक्शन, न वो खाता है, न पीता है, न उसमें तग़य्युर है, न इर्तिका है, और लम यलिद वलम यूलद। الله لا اله الا هو الحي القيوم، وہ حی ہے وہ قیوم ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر حیات کی تعریف کیا ہوگی، کس معیار پر ہم سمجھیں کہ وہ حی ہے؟ توجہ ہے، صرف ایک کلمہ حی کی تفسیر، حیات کی تعریف، کل شب کی تقریر میں جنایت کر رہا تھا، حیوان کی تعریف، یہ کتنی دشوار ہے، کتنی مشکل ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہاں حیوان کی کیا معنی ہے؟ یعنی حیات، مجرد زندگی، خالص زندگی، حیوان یعنی حیات، اور آپ حیوان کہتے ہیں، بس ترین درجے حیات، یہ بھی بہت مشکل سے کہا، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، حقائق کا الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ بہرحال اب یہ ایک تعریف آپ کے ذہن میں رہی جو سائنس نے پیش کی ہے، یہی ایک تعریف نہیں پیش کی ہے سائنس نے، سائنس نے اس کے علاوہ بہت سی تعریفیں پیش کی ہیں، اور میں جہاں تک ممکن ہوگا وہ تعریفیں بھی آپ کے سامنے نقل کروں گا اور کچھ گفتگو کروں گا اس پر کہ سائنس زندگی کو کیسے پہچانتی ہے، سائنس موت کو کیسے پہچانتی ہے۔ فی الحال یہ تعریف ہے سائنس کی دی ہوئی زندگی کی تعریف، کہ تین صفتیں جو ہوں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میٹر کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے، یا میٹر میں وہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے، یا میٹر میں وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس کی بنا پر فیڈنگ گروتھ اور ریپروڈکشن ممکن ہو پاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنس کے، وجود کے، عالم ہستی کی کیٹیگریز میں کون سی کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ حیات کو کنڈیشن مانتے ہیں، کیریکٹرسٹک مانتے ہیں، ایٹریبیوٹ مانتے ہیں، صفت مانتے ہیں یا موصوف، صفت مانتے ہیں یا فعل۔ خاصی دقیق بحث ہو گئی، لیکن طالب علمانہ بحث ہے۔ آپ زندگی کو کون سا مقولہ کہتے ہیں؟ مقولات میں سے کون سا مقولہ ہے زندگی؟ کنڈیشن کا نام ہے، صفت کا نام ہے۔ ڈیفینیشن جو آپ پیش کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے جس کنڈیشن میں فیڈنگ اور گروتھ اور ریپروڈکشن ممکن ہو پاتی ہے، تو یہ کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ آنٹولوجی میں یا وجود، علم الوجود میں، علم ہستی میں؟ کنڈیشن کس کیٹیگری میں ہے، کس کلاس میں ہے، یہ کس مقولے میں ہے؟
अच्छा इसे मुकदमे के तौर पर जहन में रखें, वक्त गुजर गया, मुकदमे के तौर पर जहन में रखें। एक तारीफ ये है जो आपके सामने मैंने गुजारिश की हयात की, और इस तारीफ की रोशनी में अल्लाह सुबहानहु व तआला को हम हई नहीं कह सकते, कतअ नहीं कह सकते। अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया है कुरान मजीद में, जहां कुर्बानी का हुक्म दिया है वहां फरमाया जो तुम कुर्बानी करते हो ये इसका खून या गोश्त या अल्लाह तक नहीं पहुंचता। अल्लाह गिज़ा से बेनियाज है, और हमें आपने तो तग़ज़िये का वहां मसला नहीं है, फीडिंग का मसला नहीं है, ग्रोथ तग़य्युर इर्तिका नहीं है, इसलिए कि अल्लाहुस्समद समद के मानी यह है कि वहां तग़य्युर नहीं है, ग्रोथ बहरहाल तग़य्युर का नाम है। और उसके बाद लम यलिद वलम यूलद, तो इस तारीफ की रोशनी में अल हई नहीं कह सकते, लेकिन वो अल हई है। इसलिए उलमाए कलाम ने हयात की तारीफ दूसरे अंदाज से की। अभी ये भी देखेंगे कि वो तारीफ भी हमें कहां तक साथ देती है, और उलमाए इरफान की तारीफ क्या है और वो कहां तक साथ देती है। उलमाए कलाम ये कहते हैं कि हयात वो हकीकत है जो इल्म और कुदरत के अबाद में मुंतसिम होती है। अलबत्ता ये लफ्ज़े मेरी हैं, मैं बाज़ मुश्किलात को दूर करने के लिए लफ्ज़े अख्तियार कर रहा हूं। हयात वो हकीकत है, हयात हकीकत है, हकीकत हयात वो हकीकत है कि जब ये जाहिर होती है तो दो अंदाज से जाहिर होती है, या इल्म या कुदरत। बाज़ हज़रात कहते हैं कि हयात वो आमिल है कि जो इदराक और अमल को वजूद में लाती है। हयात यानी जिंदगी से दो चीजें वाबस्ता हैं, इल्म और कुदरत। ये तारीफ इसलिए उलमाए इल्म कलाम ने पेश की कि यहां पर तग़ज़िये का मसला नहीं है, यहां पर ग्रोथ का मसला नहीं है, यहां पर रिप्रोडक्शन का मसला नहीं है, और अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात गिरामी में इल्म का भी इस्मात है और कुदरत का भी। इस बिना पर कहते हैं कि अल्लाह हई है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी हयात की बिना पर इल्म कुदरत को साबित करें या इल्म कुदरत की बिना पर हयात को साबित करें। है ना ये मसला। अब ये दो तारीफें अभी जहन में रखें अजीज आने गिरानी, एक वो तारीफ जो आज के बेशतर उलमाए इल्म हयातियात करते हैं, और एक वो तारीफ जो उलमाए कलाम करते रहे हैं। बस इस तारीफ को तमहीद के तौर पे जहन में रखें और फिर गुफ्तगू आगे जारी रहेगी, वक्त खत्म हो रहा है। इल्म कलाम की जो तारीफ है कि हयात हयात वो हकीकत है कि जो इल्म को साबित करती है, जो कुदरत को साबित करती है, ये तारीफ कुछ दूर तक और देर तक हमारा साथ देती है। बहस को समेट कर एक जुमला अर्ज करूं कि हयात वहीं हमें नजर आती है, हमें नजर आती है जहां इल्म का इजहार होता है या जहां कुदरत का इजहार होता है। जब तक ये दो सिफतें जाहिर न हो, दो में से सिर्फ एक नहीं, दो नौ सिफतें जाहिर हो एक दूसरे की हमाहंगी के साथ, बड़ी कड़ी शर्त है ये। इल्म भी जाहिर हो, कुदरत भी जाहिर हो, इल्म कुदरत से हमाहंग हो, कुदरत इल्म से हमाहंग हो, जहां
जहाँ ये तजल्ली जाहिर हो वहाँ हम कहते हैं कि ये है ही है। अजीब मंजिल तक गुफ्तगू पहुंच गई। अब आप हयात अंबिया उठाकर देखें, तारीख अंबिया, तारीख औलिया, तारीख अइमा। बहुत से लोग मौजज़ात सुनना ही नहीं चाहते, मौजज़ात की तावील करते हैं, तौजीहें करते हैं। मैं मौजज़े के मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि हम आम तौर पर जब तक रूह और जिस्म साथ साथ रहते हैं ज़िंदगी के कायल होते हैं, इसलिए हम ये देखते हैं आम तौर पर कि इल्म का इजहार कैसे होता है, इसी जिस्म के ज़रिए से। कुदरत का इजहार कैसे होता है, इसी जिस्म के ज़रिए से। ये हाथ, इससे जब हम कलम उठा के कुछ लिखते हैं तो इल्म का इजहार होता है। इसी हाथ में जब हम शमशीर लेकर शमशीर धनी करते हैं तो कुदरत का इजहार होता है ना। अब ये सिर्फ मिसालें हैं, कुदरत का इजहार मुनहसर नहीं है शमशीर बदस्त होने में। इल्म का इजहार मुनहसर नहीं है कि कलम बदस्त हो इंसान। कभी कलम से इल्म का इजहार होता है, कभी जबान से इल्म का इजहार होता है, कभी निगाहों से इल्म का इजहार होता है, कभी सिर्फ निगाहों से इल्म का इजहार होता है। और सिर्फ इजहार नहीं होता, निगाहों निगाहों में इल्म मुंतकिल भी हो जाता है। दस्ते मुस्तफा पे आए, अब तक आंखें बंद थी,
उसके बाद आंखें खोल के बच्चे ने पैगंबर को देखा। पैगंबर ने क्या कहा, ऐ अली तुमने मुझे अपनी नजर के लिए महसूस किया, मैंने तुम्हें अपने इल्म के लिए। बस गुफ्तगू रोक रहा हूँ यहाँ, बात हो रही थी कि जहाँ हयात और कुदरत, इल्म और कुदरत दोनों जाहिर हों वहाँ हम जिंदगी के पाए जाते हैं। हम लोग आम तौर पर जिंदगी और कुदरत ये सब जब तक जिस्म और रूह का रिश्ता है तब तक देखते हैं, लेकिन हमारे सामने वो हस्तियाँ हैं या जिस्म अलग है, जिस्म का माल बदल है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, रेल का भी इजहार हो रहा है कुदरत का भी। हस्तियां उस जात हक को पहचानती हैं जो अल हय्युल क्यूम, जैसे हम कहते हैं अल हय्युल क्यूम, जैसे कुरान कहता है अल हय्युल क्यूम, कैसे हम पहचानेंगे अल हय्युल क्यूम, कैसे पहचानेंगे, किसके जरिए से, किसके वास्ते से, किसके वसीले से, ये हस्तियां पहचानती हैं अल हय्युल क्यूम। दस रुकू नमाज पहली मुहर्रम है, है मुहर्रम नखले मातम के लिए फसले बहार, ताजा होता है गमे शाहे शहीदा हर बरस, ये हम बताता हूँ ना, ये भी हयात तो कुदरत हुसैन की तजल्ली है, वो हुसैन इसमें तसर्रुफ की ताकत ये थी, जब तशरीफ ले गए जनाब उम्मे सलमा से रुखसत होने, बीबी उम्मे सलमा के पास है, बीबी उम्मे सलमा का क्या मर्तबा है, उम्मुल मोमिनीन तो थी ही लेकिन हुसैन उन्हें या उम्मा कहा, या उम्मा, जनाब से जो शहजाद तशरीफ ले रहे हैं और कहाँ में जा रहा हूँ, नाना से सुना है तुम इराक की सरजमीन पर कदम कर दिए माया या उमार आना मकबूल्ला मुझे मालूम है वो नशे जहां मेरा गला जहां मेरा सर मेरे अगर मेरा मैं आपको दिखाऊं हुसैन कुदरत तजल्लिए ज़ात हक है, तजल्लिए ज़ात हक, इशारा किया सारी जमीनें पस्त हुई, जमीनें कर्बला जमीन कर्बला बुलंद हुई, आपने हाथ बढ़ाया एक मुट्ठी खाक दिया और लफ्ज तुर्बत इस्तेमाल किया, हमारे आधा खानों में ताजिए बनाए जाते हैं, उसमें छोटी छोटी कब्रें बनाई जाती हैं, उसमें खा के कर्बला रखी जाती है और फिर उसे कहा जाता है तुर्बत,
ये तुर्बत हदीस में लग आया। सबसे पहले ये तुर्बत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लाकर पैगंबर को दी। उसके बाद ये तुर्बत सरकार सैयदुश्शहदा ने जनाबे उम्मे सलमा को दी और कहा इसे उसी तुर्बत के साथ रखिए जो नाना ने दी है। जब ये तुर्बत खून हो जाए तो समझिएगा कि हुसैन कत्ल हो गया। मजलिस खत्म, मजलिस तमाम हो गई। अब तमाम हो गया दो जुमले कहूँ कि जनाबे उम्मे सलमा से रुखसत हुए और उसके बाद जो रात आई तो सरकार सैयदुश्शहदा नाना के कब्र पर गए। सरदार सैयद शहादा तीन मरतबा नाना की कब्र और उसके बाद मां की कब्र पे हाजिरी दी, नाना की कब्र मुबारक पे जब पहुंचे वक्त सहर एक हालत नौमिया पारी हुई। अब एक जुमला आज करूं बस इसी पे खत्म है। नाना से जो कुछ हुसैन की बात हुई वो तो हम तक रिवायत के जरिए से पहुंची, मगर जब मां की कब्र पर अपने वली आखिर को इज्जत जरूर अता फरमा।